दोस्त दिल से बुलाया फुल एचडी हिमांशु कुमार आया ताज दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन पढ़ेगा। एग्जाम का हॉट क्वेश्चन आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाला कारक। तो पहला आपका दोस्त नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के गुण की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन मेरा प्रभावित होता है। तो देखिए आपका क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड तेजी से रिएक्ट करता, मतलब जो आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड मांगो, अगर सोडियम क्लोराइड है तुरंत आयनिक रूप में जुड़े, सोडियम प्लस हो सीएल माइनस, तो सोडियम प्लस अगर सीएल माइनस के साथ जुड़ेगा तो सोडियम क्लोराइड तुरंत बना देगा। लेकिन वही मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसके पास सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वह मेरे क्या है कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होता है, तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने का संभावना बहुत फास्ट होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड के पास सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होने की वजह से उस बॉन्ड को तोड़ने में देखते एनर्जी भी ज्यादा लगता है, तो ऐसे हालातों में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में समय बहुत ही ज्यादा लग जाता है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गया, सेकेंड आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, क्या होता है वो की कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट हम दोस्त निकेल कैटलिस्ट यूज करते थे, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते थे, प्लेडियम कैटलिस्ट करते थे। प्लेटिनम कैटलिस्ट तो हम यहाँ पे यूज किए थे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में आएगा। तो यहाँ बोलता है कैटलिस्ट के उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है इंक्रीज करता, मतलब अगर आप कैटलिस्ट लीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में था मेरा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो दो मोल ऑफ अमोनिया ले लिए, उसको प्लेटिनम के प्रेजेंस में हीट कर दिए तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म हो गया N2 और हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म हो गया H2। यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम लिए तो दो मोल अमोनिया तुरंत टूट गया, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल गया। ओके नेक्स्ट आपको दोस्त टेम्परेचर, नेक्स्ट आपको क्या है टेम्परेचर। तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, मान लिया बाहर से आप हीट एनर्जी दे रहे थे, हीट एनर्जी दीजिएगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपका रिएक्टेंट आपस में टूटेगा, रिएक्टेंट जितना ज्यादा टूटेगा उतना ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कब बढ़ाता है जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब। फिर नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ए गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई को सरफेस एरिया बोलते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े कि अगर बर्तन का साइज छोटा है, एक बर्तन का साइज बहुत ही बड़ा है, अब मान लीजिए चाय रखा हुआ है, तो छोटा बर्तन में अगर चाय रखोगे तो बहुत कुछ देर तक गर्म ही रहेगा, लेकिन बड़ा बर्तन में तुम अगर चाय रखोगे तुरंत ही ठंडा हो जाएगा ड्यू टू सरफेस एरिया। कम सरफेस एरिया तो गर्म रहने का टेंडेंसी ज्यादा, ज्यादा सरफेस एरिया तो गर्म रहने की टेंडेंसी कम। यही ये वाला कंडीशन होता है दोस्त कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है जब रिएक्टेंट का सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाते हैं। फिर आता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्ड का बोलते हैं दोस्त रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं। तब मान लो कि बर्तन है, वो बर्तन बहुत ज्यादा 100 मोल लिया रिएक्टेंट, अब 100 मोल लिया रिएक्टेंट नहीं है, 100 मोल का रिएक्टेंट है वो आपस में भी कोलिजन कर रहा है और वो बर्तन की दीवार में भी कोलिजन कर रहा है, तो ऐसे रहा तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने का टेंडेंसी क्या हो गया ज्यादा। तो अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला पहला कारक है मेरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एक हाथ में आयोनिक कंपाउंड एक हाथ में कोवेलेंट कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने का संभावना क्या बहुत ही ज्यादा। पलक झपका हुआ पता चला कि आयोनिक रिएक्शन तुम्हारा कम्प्लीट हो गया, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड देख रहे बहुत ही धीरे धीरे होता है कम्पेयर टू आयोनिक रिएक्शन की तुलना में। तो आयोनिक कंपाउंड मेरा फास्ट ही रिएक्ट करता है कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड की तुलना में। फिर सेकंड आता है कैटलिस्ट, अगर हम लोग कैटलिस्ट के पर्दे में कोई रिएक्शन करते थे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने का टेंडेंसी बहुत ही फास्ट, अगर फास्ट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने का टेंडेंसी का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आप इंक्रीज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको जो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। फिर मेरा सरफेस एरिया रिएक्टेंट का, अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है इसका मतलब सरफेस एरिया और रिएक्टेंट का जो कोलिजन होने का टेंडेंसी वो मेरा ज्यादा है, इसलिए मेरा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ओके इस तरह हम पर मान लो फुल एरिया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया खत्म। ये दोस्त
हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा तो सारणीय सिचुएशन। देख क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट 0.02 पर सेकेंड है, ये मेरा K1 हो गया, 0.07 पर सेकेंड मेरा K2 हो गया, तो K1 के जगह पर क्या पुट कर देंगे 0.02 पर सेकेंड, और K2 है मेरा 0.07 पर सेकेंड, 0.07 पर सेकेंड लिख दिए। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जरूरी पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उस समय जो हम एनर्जी देते हैं वही एनर्जी मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और T2 T1 तेरा क्या है टेम्परेचर। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर, मतलब EM को निकालना है, 2.30 था 2.30 लिख दिया, और आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314, और T2 तेरा टेम्परेचर है, T2 क्या है टेम्परेचर, कितना केल्विन है 700 केल्विन, और T1 भी तेरा टेम्परेचर है कितना, ये तेरा T1 500 है, T2 कितना है 700, T1 500 है यहाँ पर लिख दिया 500, और T1 क्या है तेरा 500, यहाँ पर लिख दिया 500 गुना 700, यहाँ पर हो गया 500 गुना 700, अगर देखोगे तो 700 में 500 के कितना बचा 200, यहाँ पर तेरा बचा 200, तो यहाँ पर लिख दिया 200 ठीक, और इसको गुना करो 735, 35 पर 40 आ जाएगा तेरा, 35 पर 40, यहाँ पर देखो 20 और 20 क्या हो गया खलास, तो तेरा बचा 2/3500। और देखो दोस्त इस डेसिमल को हटाओ, ये डेसिमल 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 हट गया, यहाँ देखोगे तो ऊपर में लोग 7 है, नीचे में क्या बचा लोग 2, अगर यहाँ पे लोग a बटा b, हम जानते हैं लोग a बटा b बराबर लोग a माइनस लोग b होता है, तो ये सब पुट करने जा रहे हैं, तो लोग a हो गया मेरा 7, तो यहाँ पर लिख दिए लोग 7 माइनस लोग 2 इक्वल टू, तो इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल ये था, तो यहाँ पर लगा दिए ये बटा मेरा 2.303 है, 8.314 है, यहाँ पर फिलहाल लिख दे रहे हैं 2.303 और ये हो गया तेरा 8.314, फिर 2/3500 था यहाँ पर, वही लिख दिए 2/3500 लोग 7 का वैल्यू अगर पुट करोगे तो 0.81 लोग 7 का वैल्यू कितना दिया है 0.84, तो यहाँ पर 0.84 पुट कर दिए, लोग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, तो यहाँ पर 0.301 पुट कर दिए। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करते दोस्त तो मेरे पास आता 0.54, क्या आता मेरे पास 0.54 दिए। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, हमको निकालना है क्या एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये बराबर ये चल जाएगा तेरा नीचे, ये क्या चल गया तेरा नीचे, यहाँ पर लिख दिए 0.54 हाँ नहीं ठीक है 0.54 हो गया, इसको गुना करेगा, इसको गुना करेगा 2 से भाग दोगे ना, तो तेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वह वैल्यू है तेरा 6.7 गुना10^4 बट्टा में 2 था तो बट्टा में क्या लिख दिए 2, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.809 × 10^4। देखिए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, और एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर मोल, क्या होता है दोस्त जूल पर मोल। इस तरह आपका दोस्त एक्टिवेशन एनर्जी का फाइनली वैल्यू को ऑब्टेन हो गया, इस तरह भी आपका फुल एचडी में केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गया खत्म। ये सब लोग का फुल एचडी में नया चैप्टर चालू कर रहा है, नया चैप्टर आपका दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला थ्योरी आपका दोस्त मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। देखिए मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या बोलता है, सर बोलता है कि सिंपल सोल्ट लीजिए, तो सिंपल सोल्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड लिए, फिर से बोलते हैं और सिंपल सोल्ट लीजिए, तो फिर हम लोग सिंपल सोल्ट के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड लिए,
और साथ में 6 मोल वाटर ले ली, क्या ले ली दोस्त, 6 मोल वाटर। तब क्या पे पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, 6 मोल वाटर ली और तीनों को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो केसीएल था तो प्रोडक्ट के साइड में केसीएल बन गया मेरा, साथ में MgCl2 था तो यहाँ पर बन गया तुम्हारा MgCl2। 6 मोल ऑफ वाटर था तो यहाँ पर बन गया तेरा 6 मोल ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं कार्नालाइट, क्या बोलते हैं दोस्त, कार्नालाइट, कार्नालाइट। इसका फॉर्मूला का कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है तो KCl MgCl2 6 मोल ऑफ वाटर, और इसको पढ़ो तो पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट। तो यहाँ पर फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जो एग्जांपल नंबर 2, ये तुम्हारा पोटेशियम सल्फेट, कौन सा सल्फेट है दोस्त, पोटेशियम सल्फेट। एक है तेरा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। ये कैसे आ रहा समझ आ रहा बात, देखो ये दो कॉम्पोनेंट से बना, एक एल्युमिनियम से एक तेरा सल्फेट से बना। सल्फेट को तोड़ोगे तो SO4 2 में ना, एल्युमिनियम को तोड़ोगे तो 3 पला, फिर क्रिस क्रॉस कर देते थे, ये 3 सल्फेट के पास आता था, ये 2 एल्युमिनियम के पास आता था, तो तेरे Al2SO4 का होल 3 बन जाता। समझ आया बात, तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट नहीं आ रहा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करने जा रहे, और साथ में 24 मोल ऑफ वाटर है, कितना वाटर है दोस्त, 24 मोल ऑफ वाटर। तो K2SO4 था तो प्रोडक्ट के साइड में K2SO4 बन गया पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट था तो यहाँ पर डॉट का साइन नहीं है, यहाँ पर फिर से बना दिए एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। साथ में 24 मोल वाटर था, यहाँ पर साथ में 24 मोल वाटर बना दिए। देखियो पोटेशियम सल्फेट के साथ अगर एल्युमिनियम सल्फेट रहे और साथ में 24 मोल वाटर रहे, इसको बोलते हैं पोटास एलम, कौन से एलम बोलते हैं, पोटास एलम, कौन से एलम, पोटास एलम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त FeCN2, क्या आपका FeCN2, और यहाँ पर 4 मोल ऑफ KCN है, ठीक है, 2 है तो 2 का डबल 4 कर दीजिए। अब ये क्या फेरसाइनाइड, फेरसाइनाइड, हाँ X-2 बराबर 2 तो +2, क्या प्लस है भाई 11 क्लास, यहाँ पर आयन की मल्टीपल 2 प्लस है, इसको बोलते हैं फेरस साइनाइड, जो कि पोटेशियम साइनाइड। तो देखो यहाँ पे आयरन है, आयरन का साइनाइड है, यहाँ पर लिख दिया हम आयरन, घर के अंदर बम किया है, यहाँ पर लिख दिया आयरन, CN 2 गया 4 CN, 4 CN 2 CN 6 CN, यहाँ पर लिख दिया CN का होल 6। अब बस ये 4 मोल पोटेशियम, तो 4 मोल पोटेशियम को शुरू में लिख दिए, ये बन गया तेरा 4 मोल पोटेशियम आयरन CN का होल 6। ये तेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नाम लिखना पड़ता है, इसका नाम ऐसे तुम नहीं बोल सकता है, समझा। तो फिलहाल अभी जाके देखो ये कैसे कंपाउंड है दोस्त, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त पॉइंट नंबर 4, कॉपर सल्फेट, क्या दोस्त, कॉपर सल्फेट, और ये आपका 4 मोल अमोनिया, 4 मोल अमोनिया। देखिए कॉपर था, सबसे पहले क्या बनाते हैं घर, यहाँ पर घर बना दिए, घर के अंदर कॉपर था क्यूट, तो क्यूट बोलता है कि हम अपने अम्मी को रखेंगे, अम्मी का मतलब माई, इसको अमोनिया नहीं पढ़ते लेकिन माइन पढ़ते। यहाँ पर CU लिखे NH3 लिख दिए, और यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पर लिख दिए NH3 का होल 4। SO4 बच गया, तो SO4 का नेगेटिव पार्ट है, तो प्लस के बाद क्या आता है माइनस, इसको घर के बाहर लगा दिए। देखो यहाँ पे क्या बोलता है आपको, सो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या बोलता है, बोलता है 2 या 2 से अधिक सिंपल सॉल्ट, 2 या 2 से अधिक स्मॉल मॉलिक्यूल का सॉल्ट जब आपस में जुड़ता है तो एक लार्ज मॉलिक्यूल का सॉल्ट बनाता है, क्या बोलते हैं कार्नालाइट। फिर बोलता है पोटेशियम सल्फेट का स्मॉल मॉलिक्यूल का सॉल्ट, एल्युमिनियम सल्फेट का स्मॉल मॉलिक्यूल का सॉल्ट, जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं और साथ में 24 मोल वाटर को भी जोड़ते हैं तो मेरा पोटास एलम बनता है। फिर फेरस साइनाइड और 4 मोल पोटेशियम साइनाइड को जोड़ते हैं तो ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राप्त होता है।
फिर कॉपर सल्फेट और फॉर्मल अमोनिया को एक दूसरे से जोड़ते तो जो बना वो मॉलिक्यूल है वे मेरा लार्ज मॉलिक्यूल है, और जो आपका लार्ज मॉलिक्यूल बना यही आपका दोस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसी को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। ये देखो एक ऐसा कंपाउंड जिसका स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता हो और लार्ज मॉलिक्यूल बनता हो, क्या बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ओके ओके दोस्त यहाँ पे फुल एचिव अब हम लोग डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, ये भी हमारा एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग कैर्नलाइट ली, क्या लिए दोस्त कैर्नलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 मोल वाटर। यहाँ पर जब कैर्नलाइट को पानी में घुलाते तो पोटेशियम क्लोराइड आपका टूट जाता है K+ और Cl- में, मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में घुलाएगा तो Mg2+ और 2 मोल Cl- में टूट जाएगा। ये आपको कैसा आयन है सिंपल आयन। अब देखिए दोस्त ये बोलता है फिर ये मेरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है, कोक K4 है FeCl का होल 6 है, जब इसको हम पानी में घुलाते हैं तो पोटेशियम मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर 1+ चार्ज आ गया, 4 पोटेशियम था तो यहाँ 4 से मल्टीपल कर दिए, बचाओ FeCl का होल 6 था तो FeCl का होल 6 लिख दिए। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है मतलब ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, अब इधर देखिए पोटेशियम मुंडी पर 4+ आ गया, यहाँ पर अगर 4+ है तो बचा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास 4- होगा, तो 4+ और 4- आपस में न्यूट्रल होके K4 FeCl का होल 6 बना लेगा। अब ये डबल सॉल्ट का पहला पॉइंट बोलता है कि कंटेन धारण करता है सिंपल सॉल्ट को बराबर मोल वाला रेशियो में, इक्विमोलर रेशियो का मतलब है दोस्त पोटेशियम क्लोराइड का भी आपने 1 मोल लिया है और मैग्नीशियम क्लोराइड का आपने 1 मोल लिया है, उसी को क्या बोलते हैं इक्विमोलर रेशियो। डबल सॉल्ट के पास दोस्त आयोनिक बॉन्ड धारण करता है, कैसा बॉन्ड धारण करता है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड देखिए दोस्त मान लीजिए कि आपका पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम क्लोराइड को तोड़िएगा तो K+ और क्लोराइड को तोड़िएगा तो Cl-, तो 2+ और माइनस 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन के वजह से बनने वाले बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बनते, तो आयोनिक बॉन्ड के रूप में आपका दोस्त Cl बन गया, तो जो डबल सॉल्ट है वह हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दोस्त जो आपका डबल सॉल्ट वह हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, कैसे अवस्था दोस्त ठोस अवस्था में, हम लोग जानबो करते कि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या ठोस अवस्था में होता है, किस अवस्था में ठोस अवस्था में, तो हमारा जो हमारा डबल सॉल्ट है दोस्त वो हमारा किस अवस्था में रहेगा सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में सॉलिड स्टेट में। हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं दोस्त कि सिंपल सॉल्ट वो हमारा बराबर मोल में हो भी सकता और हो भी नहीं सकता। अब देखिए दोस्त सेकंड पॉइंट बोलता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वह आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। देखिए दोस्त यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा आयरन और लिगेंड के बीच बनता है, आयरन और लिगेंड के बीच हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हैं मान लिए ए और बी नाम का दो ठो दोस्त है, ए के पास एक ठो लोन पेयर है, अगर ए अपना लोन पेयर बी को दिया और बी अपना एक भी इलेक्ट्रॉन ए को नहीं दिया, यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और जल वाला अवस्था में भी एग्जिस्ट करता है, ये मेरा क्या कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारा। अब बताइए दोस्त हाँ आयोनिक बॉन्ड रखने वाला कौन सा सॉल्ट डबल सॉल्ट, आयोनिक बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखने वाला कौन सा सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो तुम्हारा डबल सॉल्ट है वह तुम्हारा कैसा स्टेट में पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, और जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्टेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वह सॉलिड स्टेट के अलावा एक्वस सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। अब देखिए दोस्त जो तुम्हारा डबल सॉल्ट है कैसा रेशियो में आता है इक्विमोलर रेशियो में, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वह इक्विमोलर रेशियो में हो भी सकता है चाहे हो भी नहीं सकता। ये हमारा दोस्त डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का 3 एग्जांपल हो गया, 3 और एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। दोस्त आपका डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेक्स्ट एक पॉइंट है आपका दोस्त बोलता है कि सॉल्यूशन में जो अपने पहचान को खो देता वही मेरा डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, जब पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ जुटा 6 मोल ऑफ वाटर
प्रोडक्ट में देखे तो 6 मोल वाटर आपको दिख भी नहीं किया, मतलब ये पानी के साथ गया तो पानी पानी हो गया, 6 मोल वाटर 1 मोल वाटर 7 मोल वाटर हो गया। तो ये तो पता चला किसके साथ वाटर का भी मॉलिक्यूल था। ये हमारा दोस्त जब डबल सॉल्ट आयन के रूप में टूट रहा है तो वह अपना पहचान वो क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा। और जस्ट अपोजिट मेरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फोर एफिशियन का होल सिम फॉर्मूला के प्लस एफिशियन का होल सिम फोर माइनस टू, और ये फिर फोर प्लस अब फोर माइनस आपस में न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से आपको के फोर में दिखाई देगा। और ये फिर एफिशियन का होल सिम सिर्फ यहाँ पे एफिशियन का होल सिम देखिए, पर जैसा शुरू में था आयन में टूटने के बाद ये वैसा ही हल्का हल्का दिखाई दे रहा। ये अपना सॉल्यूशन में अपने पहचान को नहीं खोता हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट के पास मेटल सॉल्ट फिक्स वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड। तो मेटल है जो हमारा डबल सॉल्ट का जो रहने वाला मेटल है, पोटेशियम के मुंडी पर एक प्लस होता है, मैग्नीशियम के मुंडी पर दो प्लस होता है, यहाँ पर बॉन्ड में मेरा क्या है फिक्स, कि पोटेशियम हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मैग्नीशियम हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आयरन का देखो, आयरन बोलता है मेटल सो वेरिएबल वैलेंसी, जो तुम्हारा आयरन है वो दो वैलेंसी शो करता है, दो तरह का बॉन्ड बनाता है, एक बार दो बॉन्ड बनाता है, एक बार तीन बॉन्ड बनाता है। हम लोग पहले पढ़े कि अगर दो बॉन्ड बनाता है तो फेरस क्लोराइड, तीन बॉन्ड बनाता है तो फेरिक क्लोराइड। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल का बॉन्ड कभी दो बॉन्ड बनाता है, कभी वो तीन बॉन्ड बनाता है, मतलब इसका बॉन्ड हमारा क्या सॉरी इसका जो हमारा वैलेंसी वो हमेशा चेंज होते रहता है, वैलेंसी चेंज होते रहा, मतलब इसके पास दो बॉन्ड भी बनाने की क्षमता और तीन बॉन्ड बनाना क्षमता। इस तरह हमारा दोस्त पूरे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या हो गया, खत्म।